एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिक कंसेप्ट में। तो कैसे हो हमारे YouTube फैमिली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये चीज़ हम लोग आई थिंक पहले भी थोड़ा सा रिविजन रिकैप कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1934 में क्या हुआ था, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1934 में क्या हुआ था, इंडियन जो आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने दिया था, तो वो क्या था, एम एन रॉय करके थे। फिर क्या हुआ 1935 में क्या हुआ था, जो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो होता है ना डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो है ना ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फिर 1938 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या किया था उन्होंने, एक तरीके से जो इलेक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। फिर फाइनली क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अगस्त ऑफर जो 1940 के आसपास जो है ना उन्होंने डिमांड एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको अभी दो चैप्टर में अच्छे तरीके से फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको उसमें कवर किया था। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अब जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें क्या क्या प्रावधान, कितने क्या क्या लगे, तो उसके बारे में मैं आपको सारा चीज़ एक बेसिक से लेकर हर एक चीज़ में क्लियर करूँगा। तो देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था बनने में वो ये एक तरीके से ये फॉर्मेट है, इसका आप जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये टोटल आपको इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था। टाइम टेकन पूछता तो अब नहीं है, पहले पूछा जाता, लेकिन होता है कभी कभी किसी एक पेपर में फर्स्ट जो होता है जो वन डे एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछ लिया जाता है। दूसरा क्या है ना, आपको ये पहली बार ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीटिंग डाला गया था वो कब डाला गया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें ना वो आपको बस यहाँ पे याद रखना, बेसिक चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, और इससे पहले मैंने दो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया। हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा आपको लगे कि अभी तो मैं आज इसलिए मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सोचा कि सारा चीज़ अच्छे से कवर कर दूँ। तो फिर जैसे आपको ये याद रखना, ये पूछ लिया था कभी कभी, ये आपको याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट मीटिंग जो इंडियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो कब था। उसके बाद जो हमारा जो हैंड राइटिंग जो साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन से डेट को किया था फाइनली, और जो ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने, देखो कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उससे पहले भी हम लोगों ने अपने ड्राफ्ट को कहीं ना कुछ थोड़ा सा पार्ट अडॉप्ट किया हुआ था। तो ये बोला है, देखो लीगली तो हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को किए ही थे, बट उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ जो है ना एक्सेप्ट किया था। जैसे 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कुछ ऐसा डिमांड जो है ना कुछ कुछ पार्ट हम लोगों ने उस समय अमेंडमेंट किया हुआ था। तो ये टोटली क्या ना मेकिंग ऑफ द इंडिया, ये मैंने अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया। अभी हमें आपको आगे और जैसे कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हर एक चीज में अभी आगे आपको बताऊंगा, तो वो चीज में अभी हम लोग पूरी तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से कवर करेंगे। यार मेरे पास कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया था, लगभग मंडे के आसपास आया था, पिछले इसी मंडे को, तो किसी ने या तो कोई अपने जान पहचान वाला होगा या कोई भी एक स्टूडेंट टाइप को, वो स्टूडेंट के फॉर्म में उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर आपने बोला जॉब भी करते हो, तो मैंने बोला हाँ। फिर उसने मुझे मतलब उसने जैसे उसने बोला तो मैंने बोला हाँ जॉब तो मेरे मतलब मैंने सोचा क्या जॉब तो मैं करता हूँ। फिर उसने बोला कि सर आप फिर पढ़ाते क्यों जब जॉब कर रहे हो, तो यार देखो जो भी पूछा हो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं एक तरीके से क्या ना जब मुझे रिलैक्सेशन सब नहीं होता है या लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं उस समय अगर मैं पढ़ाने बैठता हूँ ना तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाना। और ये आप कितने भी मुझे 4 घंटे 5 घंटे कभी भी बोल दो, मैं बिना बेझिझक इतने घंटे मैं पढ़ा सकता हूँ। और अभी मैं देखो इसलिए अभी थोड़ा वर्क वगैरह था ऑफिस का, तो मैं अभी सैटरडे संडे में या जो कंटिन्यूसली आपकी ये सारे लेक्चर वीक में 3 दिन ही रहेंगे, क्योंकि ऑफिस का भी काम रहता है तो उसमें क्या होता है ना थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस से बात है यार ऑफिस कर रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोई भी चीज़ का, बट ये बंद नहीं होगा ठीक है। उसने ये बहुत ही मतलब लगभग मान लो ना कि आधे पेज का वो मेल आया हुआ था, तो मुझे हंसी भी लगा वो पढ़ के। तो मैंने कहा कि यार देखो या और इसका ये काम करने का ये मोटिव नहीं कहा, बट मुझे अच्छा लगता है ना तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता पढ़ाना इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। हाँ लेकिन अच्छा लगा आप लोगों ने पूछा, और आपने किसी ने पूछा तो मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको सारा चीज बता दिया था कि डिमांड क्या था। अब समझना देखो, हाँ मैं एक एक चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगा, ये मत सोचना कि आधा सर बताएंगे और आधा नहीं बताएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले डिमांड तो किसी ने किया होगा, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और देखो जो डिमांड किसी ने किया था, तो ये मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि 1934 में क्या होता है, आइडिया आया था। आइडिया क्या था कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा भी अब इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बहुत हम लोगों ने ब्रिटिशर्स बहुत हम पे हुकूमत कर लिए, तो ये आइडिया किसी ने दिया था ये पूछ लिया जाता है। तो ये MN रॉय करके रे करके थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, जो 1934 में दिया था। फिर अभी मैंने बताया कि 1935 में क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो मान लो कम होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अधिकतर फ्रिक्वेंटली, ये क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन का सीरीज अभी आप लोग को अपलोड करके दूंगा तो देखना कि हर एक वन डे टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पिक किया गया। तो 1934 में मैंने अभी पीछे भी बताया कि क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो ऑफिशियली डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फिर क्या हुआ 1938 में, जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया डेट टू बी फ्रेम, किसी और, मतलब सीधी सी बात था कि अब किसी और का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड होगा किस पे, एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बेसिस पे होगा। एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया था फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने जब देखा कि अब ये लोग क्या ना बहुत ज्यादा डिमांड वगैरह, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया हमारा जो अगस्त ऑफर जो था ना, वो अभी 1940 में जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। देखो एक सीधी सी बात थी कि क्योंकि क्या, देखो क्या हो रहा था ना, धीरे धीरे अब उसको भी ये पता चल गया था कि अब इन लोगों के साथ विरोध नहीं किया जा सकता। अब अगर सीधी सी बात है, अगर किसी को आपको लगे कि कोई आपके विरोध खड़ा होने लगे, तो सबसे बड़ा बड़ी बात क्या है ना, आप उसको अपने साथ लेके काम करना स्टार्ट कर दो। ये उसके पास माइंडेड था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ये चीज समझ रहे थे। तो इन लोगों ने धीरे धीरे हर एक चीज उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो ठीक है ये भी चीज कर लेंगे, हाँ चलो ये भी चीज कर लेंगे, क्योंकि तो उसको ये चीज पता चल गया था अगर अब हम लोग के साथ विरोध करके काम करेंगे तो सीधी सी बात क्या होगी, ये लोग हमारा सपोर्ट कहीं नहीं करेंगे। फिर यही हुआ 1942 में, जो सर जो एक तरीके से स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, उसको ये देखो उसने क्या बोला कि ठीक है, वो जब 1942 में भारत आए तो उसने क्या बोला, एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने बोला कि हम इंडिया को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा ना, तो हम इंडिया को क्या करेंगे, आजाद करवा देंगे, मतलब जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन सीधी सी बात है कि हम दे देंगे। लेकिन देखो जब क्रिप्स का प्रपोजल था ना, जब गांधी जी भी थे उस समय, गांधी जी आपको पता है कि, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी थे ना उसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया, जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी ने इसको सीधा बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है, कि अगर मान लो एक बार ये लोग, सीधी सी बात है कि एक बार ये लोग वर्ल्ड जीत गए वर्ल्ड वार, तो क्या होगा फिर ये लोग हम पे ज्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो बोला नहीं आपको जो भी करना तो अभी ही और इसी समय मुझे चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोस्ट डेटेड चेक, जो क्रिप्स प्रपोजल था, उसको पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्रिप्स प्रपोजल को जो पोस्ट डेटेड चेक वो महात्मा गांधी ने ही बोला था। फिर इसी समय क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने भी क्या बोला कि जो डिवाइड करना, मुस्लिम लीग का सीधा सा कहना था कि डिवाइडेड इंटू द टू स्टेट, सेपरेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुस्लिम लीग 1940। अब ये एक तरीके से क्या है ना, सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स भी एक तरीके से ये चाह रहे थे। तो क्या वो फाइनली एक कैबिनेट मिशन जो था सेंड किया गया इंडिया में, जो वेल वो रिजेक्ट कर दिया आइडिया, जो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। देखो सीधी सी बात ये थी, ये तो सिर्फ डिमांड था, और ये देखो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड क्या थे ना, कि अभी ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि भारत का विभाजन अच्छी तरीके से हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1909 के समय में क्या हुआ था, मुस्लिम को एक तरीके से कॉमनल वो दे दिया गया कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट करना है, तो वो पता रहा था कि जितना डिवाइड हो सके, क्योंकि वो उसको पता था अभी अब जितना डिवाइड करेंगे उतना हम राज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब ये क्या हुआ ना, एक तरीके से सभी समझ गए कि हमारे घर की लड़ाई है, तो कहावत का सुना भी गया, आप लोगों ने सुनते भी हो, घर की लड़ाई मैंने कभी भी बोला जाता है किसी बाहर मेंबर को नहीं इंक्लूड करने के लिए, हाँ पहले बाहर के मेंबर को निकालते हैं फिर घर की लड़ाई हम लोग घर में ही सुलटा लेंगे, इससे क्या होगा ना बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा, तो यही चीज उस समय भी था। अब दूसरा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपोजिशन क्या था, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन अब देखा गया, देखो
अब सबने डिमांड तो दे दिया कि हाँ ये बनाना है ये बनाना है, सबका बनता भी है बोलना, सीधी सी बात है, सबने डिमांड दे दिया। अब जब डिमांड दे दिया तो अब क्या कंपोजिशन की कैसे कैसे होगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ना, अभी मैंने आपको बताया था 1946 नवंबर में गया, ये किस इसके में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, बोला गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ कितना, 389, जिसमें बोला गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ 389, उसमें अभी लोगों ने क्या किया था, जिसमें बोला कि ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 सीट अलॉट किया गया, तो 296 जो अलॉट किया गया था ब्रिटिश इंडिया के लिए, उसमें क्या होगा, तो दो बोला गया कि 292 क्या होगा, उसमें जो जो ड्रोन करेगा, जो सीधी सी बात है कि ड्रोन करेगा, जो 11 जो गवर्नेंस प्रिंसेस, जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, उसके बाद क्या हुआ था, चार उसमें से क्या था, चीफ जो चीफ कमिश्नर थे वो प्रोविंसेस, और हर एक स्टेट का बोला गया था जो चीफ कमिश्नर है ना प्रोविंसेस, हर एक स्टेट का उसमें रहेगा। 292 तो यही था, और चार क्या थे यहाँ पे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे हर एक स्टेट के, जिसमें देखो और उसमें ये इसने 389 में से क्या बोला, 296 ये हो गया, फिर जो 93 स्टेट थे वो किसके लिए थे, प्रिंसली स्टेट के लिए थे। देखो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो स्टार्टिंग फॉर्मुलेट जो किया गया था, या तो किसके प्लान के तहत या कब से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सीधी सी बात, उसमें क्या बोला कि जो जो 93 जो स्टेट दिए गए थे प्रिंसली स्टेट को, उसमें इसने बोला कि इच प्रोविंस और जो इच प्रोविंस और जो प्रिंसली स्टेट है ना वो अलॉट किया जाएगा सीट, किसके बेसिस पे सीट। और देखो अब सबको अलॉट किया तो गया था, लेकिन अब उसमें भी क्या बोला गया कि जो सीट जो अलॉट किया जाएगा ना वो भी एक प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे अभी भी आप सुनते हो ना अभी आगे जब पढ़ोगे डिकमीशन हो गया, जो मतलब स्टेट का डिकमीशन जो होता है वो क्यों होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीट, क्योंकि देखो पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, तो पॉपुलेशन जब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो सीट का एलोकेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ दैट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो अभी मैं बिहार में रह रहा हूँ सपोज करो, तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार का जो पॉपुलेशन वो कांस्टेंट हो जाएगा, 10 साल पहले का जो पॉपुलेशन था वो अभी भी होगा, नहीं होगा ना, लेकिन 10 साल पहले जो सीट एलोकेशन हुआ था एमएलए या एमपी का, वो हमें वो तो कांस्टेंट नहीं रह सकता ना, उसमें भी तो चेंज होगा, क्योंकि अगर बिहार में एक स्टेट एक जगह ले लेते, एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते, सपोज मैंने ले लिया बक्सर डिस्ट्रिक्ट ले लिया सपोज करके देखते हैं, तो एक चीज होता बक्सर डिस्ट्रिक्ट का जो 10 साल पहले पॉपुलेशन वो अभी भी तो नहीं हो सकता ना, तो उसके बेसिस पे हमें एमएलए और एमपी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे भी यही था, उसी समय में भी था कि क्या हमको पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट का एलोकेशन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसने क्या डिसाइड किया, जो कम्युनिटी जो थ्री मुस्लिम हो गया सिख हो गया और जनरल जो प्रोपोर्शन होगा उसके उस पर ये डिसाइड किया। ये सीधी सी बात है, अभी भी जो कुछ कर रहे थे ना वो एक तरीके से क्या ना फूट डालो के काम पे काम कर रहे थे। फिर सीधी से आगे बात हुई तो क्या बोला गया, जो वोट होगा वो क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ये कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें, फीचर्स क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो जो वोट होगा वो क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, बिल्कुल सही है, होना भी यही चाहिए मेरे अनुसार से, हो भी यही रहा था, होना भी यही चाहिए, जो एक तरीके से और बेस्ट भी यही था कि भाई किसी भी इंसान के पास ऐसा तो ना, ब्रिटिशर्स उस समय हमारे देश में थे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ब्रिटिशर्स के पास क्या ना दो राइट होना चाहिए कि वो दो दो वोट दे सकते, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और यही चीज हो भी रहा था, जो चीज बहुत ही परफेक्ट था एक तरीके से इस चीज को कवर अप करने के लिए। फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना वो क्या हुआ, एक तरीके से पार्टली जो पार्टी वो इलेक्टेड हो गया, क्या नॉमिनेटेड बॉडी एक तरीके से हो गया, मेंबर एक तरीके से कहने इनडायरेक्टली कहते हैं इलेक्टेड हो गया बाय मेंबर, जो प्रोविजनल असेंबली। देखो एक तरीके से क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था वो एक तरीके से क्या था, जैसे अभी हम लोग परफेक्टली जाके वोट देते हैं ये लिखा हुआ एक तरीके से देखो, तो एक तरीके से तो परफेक्टली अभी जाके वोट देते हैं, और उस समय में यही डिफरेंस था कि उस समय भी ये नहीं था कि ये मुस्लिम है तो ऐसे वोट देगा, ये सिख है तो ऐसे वोट देगा, वो इस समय नहीं है, लेकिन उस समय में क्या था, ये चीज़ था कि जो प्रिंसली कम्युनिटी था, जो प्रिंसिपल कम्युनिटी कहा जाता है, मुस्लिम हो गया सिख हो गया, जनरल प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन का, वैसा अभी तो नहीं है, पहले ऐसा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को सही किया गया। और जो मेंबर जो भी मेंबर था वो क्या करता, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असेंबली, तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली क्या था वहां पे, मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असेंबली वहां पे, तो ये क्या था एक तरीके से कंपोजिशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये एक तरीके से यहाँ पे कंपोजिशन चल रहा था।
फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इलेक्शन हेल्ड हुआ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इलेक्शन क्या हुआ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कब हुआ, ये भी यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया है कि जुलाई 1946 या अगस्त 1946 पे हुआ, ठीक है। जिसमें क्या हुआ ना, जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि चलो हम लेंगे तो क्या होगा ना, आप लिखा तो वहां पे लिखा गया था क्या, ब्रिटिशर्स प्रिंसली ब्रिटिशर्स प्रोविजनल स्टेट। लेकिन क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 208 सीट पे वहां पे जीत के आए। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैं बस आपको क्या ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग सी तो वो 73 सीट जीत के आए, और कुछ ऐसे थे जो क्या हुआ था वो इंडिपेंडेंट थे, वो अभी भी इंडिपेंडेंट, बहुत ऐसे लोग हैं तो इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं, तो वो 15 सीट था। लेकिन क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट था वो ये सोच के चले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है उससे वो बाहर रहेंगे, वो उसको फिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चले जाएंगे तो फिर हमारा ये जो राजा राजस्व है क्या वो खत्म हो जाएगा। और ये लाजमी भी था कि होना भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में एक बेटर ऑप्शन जो हमारे देश का है, आप अपने देश को पकड़ लो। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेटेस्ट में, आज अपना देश अगर सपोज करो ये है, अभी तो मैं पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई पेज नहीं है जो मैं आपको एक तरीके से अपना देश बना के दे सकता हूँ, चलो बट मान लो, तो अपने देश के चारों तरफ देख लो कैसा सीनेरियो, पाकिस्तान देख लो वहां पे कैसी हालत हो चुकी है, वहां पे कौन सा गवर्नमेंट कब पलट गया किसी को नहीं पता है। श्रीलंका देख लो, अभी क्राइसिस से जूझ रहा था, वहां का प्रेसिडेंट भाग गया था, सिंगापुर में दिख रहा है, कभी कहीं और दिख रहा है, तो वो क्या था ना एक तरीके से कि देखा जा रहा था। फिर अभी म्यांमार में देख लो, तख्ता पलट है, चाइना कुछ नहीं कह सकते, नेपाल, तो आप अपने देश के चारों तरफ देखो, रशिया एंड यूक्रेन का वॉर वो देख लो, अभी के दौर का मैं एक तरीके से बता रहा हूँ कि अपने देश के चारों तरफ देखो, हर एक देश की कंडीशन कितनी खराब है, खराब इन द सेंस आप समझ सकते हो कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ कि खराब है। वहां पे क्या है ना, अभी प्रॉपर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जो चाहे देखो म्यांमार में क्या है ना, म्यांमार को आप पिक कर लो, क्या ना मिलिट्री रूल चल रही है भैया, सोचो वहां के जो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, फेडरल गवर्नमेंट था, उसको उन लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, क्यों, क्योंकि मिलिट्री के पास ज्यादा पावर था। लेकिन आज अपने भारत की तरफ देख लो, क्या ना एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की गवर्नमेंट चल रही है, क्यों, क्योंकि अब देखो थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं नोक जो हर एक जगह चलता है, क्योंकि अगर मान लो आप ही हैं हम ही हैं, तो अगर कोई भी अगर अपने घर के मेंबर है तो क्या हो? आप अपने घर के मेंबर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करोगे, तो वैसे ही हर एक गवर्नमेंट करती है, या आज कांग्रेस से हो या बीजेपी हो, वो भी अपने जिस स्टेट में उसकी सरकार हो उसको ज्यादा सपोर्ट करेगी आज कंपेयर टू जिस स्टेट में उसकी सरकार नहीं है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आज के दौर में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे देश का जो संविधान है वो मतलब मैं मानता हूँ बेस्ट है। बेस्ट किस सेंस में है कि वहां पे हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो देखो जब उस समय जब इलेक्शन हुआ तो ये एक प्रिंसली स्टेट ने यही सोच के इसमें उस समय भाग नहीं लिया। फिर जो असेंबली था वो रिप्रेजेंट किया गया सारे सेक्शन को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, ये मैंने आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय एंग्लो इंडियन, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक सेक्शन का था। यहाँ तक सोच लो कि आज के दौर में कितने ऐसे देश हैं जहाँ की महिलाओं को प्रॉपर राइट नहीं दिया गया था इलेक्शन के लिए, वोट देने के लिए, लोगों ने लड़ लड़ के वहां पे वोट के लिए लड़ा है महिलाओं ने, लेकिन हमारे भारत में क्या था, आजादी के साथ ही वुमेन्स को पूरा इक्वल राइट दिया गया वोट के लिए, तो ये क्या था हमारे भारत की एक सुंदरता एक तरीके से, इसीलिए तो बोला जाता हमारा देश महान। फिर क्या हुआ, सारे के सारे जो असेंबली में थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इंक्लूडेड थे, एक्सेप्ट कौन थे, महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, वो भी उस समय में नहीं थे, तो ये हो सकता है उनको इस चीज से, क्योंकि जब महात्मा गांधी के जब पढ़ते तो वो शुरू से बोलते थे तो मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, तो ये सीधी सी बात है कि वो ये एक तरीके से ओवरव्यू था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका, ये एक तरीके से ओवरव्यू था। फिर क्या हुआ, जो अब बन तो गया तो वर्किंग कैसे होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वर्किंग क्या होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग था ना, फर्स्ट देखो मैं आपको ये बिना इसको पीपीटी के लिए मैं आप बोलो तो मैं एक पेज भी पूरा बता सकता हूँ, फिर मैं ये पीपीटी दे दूंगा वीडियो के साथ, लेकिन क्या ना मुझे समझाने का यही मकसद है कि आपको ये चीज समझ आए। तो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था ना वो 1946 जो दिसंबर 1946 जिसमें क्या बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर वहां पे अटेंड किए हुए थे,
क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम ने क्या कर दिया था, बॉयकट कर दिया था। मुस्लिम का सीधा क्या था कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए उसको, पाकिस्तान। तो उस समय वो चीज़ वहां, तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर ने वहां पे उस समय अटेंड किया होता। फिर क्या हुआ, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करके हैं, ये एक तरीके से क्या ना ओल्डेस्ट मेंबर है जिसको इलेक्ट किया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट के लिए अपने इंडियन असेंबली, और जो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जो क्या कहता है इसी एक तरीके से ये क्या था टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये उस समय में इसको एक तरीके से असेंबली एक तरीके से लिया गया। तो बाद क्या हुआ, जब इसको टेम्परेरी जो इनो इनको जब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर क्या हुआ, दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को एक तरीके से क्या हुआ, जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट, एस सी मुखर्जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और जो वी एन रॉय थे, वी एन रॉय करके जो, तो उनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। ये एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से पहले तो टेम्परेरी थे, अब ये थोड़ी तरीके से जो दिसंबर 1946 में क्या हुआ, एक तरीके से परमानेंट इन लोगों को बताया गया। फिर आते हैं अब हम लोग, क्या है अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, लगे कि ये चीज़ आपको बता सर ये चीज़ नहीं समझा पाए, ये चीज़ बताए, हाँ अगर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बता सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी दीपावली का समय, तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आपको आवाज़, थोड़ा बैकग्राउंड अगर कुछ आवाज़ नॉइज़ वगैरह आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और यार चलो यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया। और मैं एक चीज़ बता रहा था कि अगर अभी आप लोग सुन रहे हो या कुछ भी अगर लगे, तो यार कभी भी इस समय में ना थोड़ा सा है जो रोड साइड में जो दुकानदार वगैरह लगा के बैठते हैं, तो प्लीज़ यार उनसे भी प्रोडक्ट वगैरह लिया करो, पता है, क्योंकि वो टोटली हम ही लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि देखो अभी तो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बड़े बड़े कंपनी, तो वो तो बेचती ही, वो अलग बात है। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको लगे कि ये चीज़ यहाँ से ले लेना चाहिए, जो बाहर से दुकान से भी लोगों तो आप उतना ही पड़ेगा, और वहाँ से भी लोगों तो प्लीज़ यार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो दीप वगैरह जो भी चीज़ें, वो उन लोगों से भी लो, क्योंकि उनकी दीपावली ना अपने लोगों की उस पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हम लोग उससे कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनकी खुशी भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनके घर में भी एक तरीके से अच्छे तरीके से दीपावली भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। अब क्या हुआ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, देखो जब ये सब चीज 11 दिसंबर 1946 को कंप्लीट हो गया, तो फिर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारे, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब और किसने लाया था। तो ये एक तरीके से बोला जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका ये एक तरीके से हिस्टोरिकल मूव था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का हमारे असेंबली में। अब देखो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, इन्होंने जो फंडामेंटल हो गया या फिलोसफिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर हो रहा था ना, उसका ये फंडामेंटल हो गया या फिलोसफिकल एक तरीके से ये यहाँ पे काम हो रहा था। काम इन द सेंस क्या था, एक तरीके से ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करना है, कुछ फिलोसफिकल ड्यूटी भी ऐड करना है, फिर जैसे इंडिपेंडेंट सॉवरनिटी हो गया, रिपब्लिक हो गया, फिर कुछ फीचर्स है हमारे गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एक तरीके से इन्होंने ड्रॉप किया था। सीधी सी बात है कि ये एक तरीके से ये बताना चाह रहे थे कि सब कुछ लेके चलना, सब कुछ लेके चलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई टेरिटरी है, सपोज करो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो टेरिटरी मतलब क्या हो गया, इंडियन स्टेट के साथ साथ, इंडियन स्टेट के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ द इंडिया जो आउटसाइड जो इंडियन स्टेट है वो भी काउंट किया जाएगा, जो इंडिया का पार्ट है लेकिन वो भारत से बाहर है। जैसे मान लो कि किसी ने कभी भारत ने क्या किया था, उसको गिफ्ट में लिया था या खरीद लिया था, तो वो जो पावर होगा ना, जो स्टेट है या कोई भी चीज़ है, जो कोई भी टेरिटरी है वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, जो इंडिपेंडेंट उसके पास सारी की सारी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो ऑल पावर है जो अथॉरिटी होगी सॉवरन इंडिपेंडेंट का, वो किस तरीके से कहाँ से होता है, एक तरीके से उसका ये कह सकते हैं कि वो पीपुल से डिराइव होता है। सपोज इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि हम भारत देश के हैं और निवासी हैं, ठीक है, भारत देश का निवासी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो हमारे आउटसाइड द स्टेट है, जो हमारे जैसे मान लो हमारा देश एक तरीके से, तो उसके बाहर जैसे अंडमान निकोबार वो हमारे देश का पार्ट है, लक्षद्वीप हमारे देश का पार्ट है, तो एक तरीके से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट है, सॉवरन जो कहते हैं ना एक तरीके से, ये सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया है, जो सीधी सी बात है कि हम लोगों से मिलकर बना हुआ है। यूनियन का मतलब ही होता है एक तरीके से एकता,
और ये एक तरीके से जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया तो उसमें ये भी बोला गया कि जो सोशली हो गया या जस्टिस हो गया या इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये सभी इंडियंस पीपुल के लिए इक्वल है यहाँ पे। बशर्ते एक ही चीज़, जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। फिर क्या हो गया, जो सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया गया किसको, माइनॉरिटी पीपुल को, ट्राइबल पीपुल को। देखो ट्राइबल पीपुल को अभी भी आप जाके देखोगे ना, जो जंगल वगैरह में रहते हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब है। अभी कुछ दिन पहले एक केस भी आया था, अंडमान एंड निकोबार वाला केस आया था, वहाँ के लोग जो ट्राइबल्स पीपुल से वो अपने वेशभूषा और अपने ट्रेडिशन पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे किसी अमेरिकन साथी फोटोग्राफर्स थे वो गए हुए थे तो उनको उन लोगों ने मारा था या मार दिया था आई थिंक। तो वो क्या था, उनकी जो तस्वीरें वहाँ से खींच कर उसको पब्लिकली वायरल कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि उसके सेफ गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भी मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा जो टेरिटरी, जो इंटीग्रिटी और अब तो हमारे जो टेरिटरी रिपब्लिक है उनको मेंटेन रखा जाएगा। जो सॉवरनिटी सॉवरन है, जैसे मान तो राइट लैंड के लिए हो गया, सी के लिए, एयर के लिए हो गया, उसका जो जस्टिस है या उसके तहत तो उसको जो जस्टिस मिलना चाहिए वो भी हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है। मतलब तो एक तरीके से सीधी सी बात ये बोला गया कि जो हर एक चीज़ का मतलब ये है कि जो एक इंडियन पीपुल्स को चाहिए वो सारे के सारे एक हाई लेवल बेसिक टू एडवांस में क्या ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हाँ कभी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, अगर लगे कि इस चीज़ की बहुत ही अर्जेंट है तो क्या करे गवर्नमेंट, उसको अमेंडमेंट करके उसको अपने तहत उसको अपने अनुसार बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या है ना, आपको पूरी एक तरीके से मीटिंग तहत, जैसे आप बोलते हो ना कि जो हमारे भारत में गवर्नमेंट जैसे क्या करेगी, फिर लोकसभा राज्यसभा वहाँ बिल पास किया जाएगा, फिर अगर वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उसने पूरी एक तरीके से गवर्नमेंट, जो जवाहरलाल नेहरू ने एक पीपुल से रिलेटेड जो हमारे इंडियन हैं उनके तहत सारी चीज़ वहाँ पे दिया गया था। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, फंडामेंटल राइट, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या है था और क्या उसमें होना चाहिए था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। देखो सबसे बड़ी बात क्या थी ना, हम लोग एक एक करके सब कुछ ये समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या चेंज हुआ, कैसे क्या हुआ। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे जो लगा जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज को गौर किया, यहाँ पे क्या ना प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंस जो जैसे राजा रजवाड़े की जो स्टेट थी ना वो अभी भी ना कभी वो एकजुट होने का अभी भी नाम नहीं ले रहे थे। उसको ये लग रहा था ना कि अगर अभी अभी हम यहाँ पे मतलब इन लोग के साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वर्चस्व क्योंकि देखो सभी को क्या ना अपने एक तरह हमें सीधा सा ये है कि हमें एक तरीके से ये चाहिए कि हमें हमारा राजपाट हमारे अनुसार ही चलना चाहिए, ये उसका सोचना था। लेकिन देखो क्योंकि तो इसीलिए वो क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना असेंबली बना उससे वो स्टे अवे रहना चाह रहे थे। अब वो इसीलिए ये बोला कि वो, और वो सीधी से धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे फिर वो ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ज्वाइन करने कैसे स्टार्ट किया, देखो क्या हुआ ना, अप्रैल 28 1947 में क्या हुआ, जो 6 स्टेट थे ना ऑफ द 6 स्टेट, ठीक है, 5 वेयर द पार्ट ऑफ, 6 स्टेट में से 5 क्या थे ना असेंबली के पार्ट हुआ हो गए थे। तो ऐसे क्या हुआ धीरे धीरे, आप एक तरीके से क्या था, आप सबको लाना भी तो जरूरी था, ये भी बात था कि सबको एक साथ लाना भी एक जरूरी का काम ही था। तो यहाँ पे वही चीज देखा गया, तो जो 6 में से 5 स्टेट क्या थे असेंबली के पार्ट हो गए। ऐसे ऐसे क्या हो गया, जब वो फिर वही फिर जो चेंजेस क्या के इंडिपेंडेंट में वो क्या हुआ, फिर माउंटबेटन प्लान आया। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंटबेटन प्लान क्या हुआ, 1947 में आया, उसने क्या कर दिया पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द जो अदर प्रिंसली स्टेट थे, जैसे सीधी सी बात है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जो जैसे क्या बोला गया कि जो अदर प्रिंसली स्टेट है वो अगर वो दे टुक देयर सीट इन द असेंबली, वो सीधी सी बात है। और माउंटबेटन प्लान की वजह से क्या था, एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो मुसलमान लोग क्या था, अब उन लोगों ने सीधी सी बोल दिया कि मुझे एक अलग ही देश चाहिए, तो वो पार्टीशन वहाँ पे हो गया। फिर असेंबली क्या था, असेंबली की फुल जो सॉवरन बॉडी हो गया, जो कि फ्रेम किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, विच कुड फ्रेम बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ इम्पावर्ड जैसे पार्लियामेंट में, जैसे एक्ट जो था वो इम्पावर किया गया असेंबली में, जो कोई भी अल्टर कर सकते हैं एनी लॉ, जैसे सीधी जो इसका कहने का ये मतलब था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी बनाया था ना, उसको ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते, उस लॉ में हम लोग अमेंडमेंट या उसको हम चेंज कर सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो भी बनाया था वो अपने अनुसार बनाया था, वो हमारे लिए कुछ नहीं बनाया था, वो बोल्ड वो रहे थे कि हम आपके लिए काम करें, लेकिन वो लिटरली फैक्ट ये था कि वो हमारे लिए कोई काम करें, क्योंकि उसको पता था ये चीज़ कि अगर हम इनको अगर खाली ये दे रहे थे शांत होना कि हाँ आपके लिए ये है और आपके लिए, उनको पता था कि अगर नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वही चीज़ बताने की कोशिश की। फिर क्या हो गया ना, जो असेंबली था, जो असेंबली एक तरीके से क्या होगा, दे बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, जो हमारा जो असेंबली था वो लेजिस्लेटिव बॉडी में कन्वर्ट होगा, जो दो सेपरेट फंक्शन पे काम करने लगा था, दे आर वर्किंग द टू सेपरेट फंक्शन, पहला क्या था, जो मेकिंग ऑफ द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्री फॉर फ्री इंडिया, जिसको चेयर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तहत, और दूसरा क्या इनेक्टिंग जो ऑर्डिनरी लॉ था, वो जो अपने कंट्री के लिए जो लॉ वगैरह था, उस पर कौन क्या कर रहा था, जी वी मालवेकर वो क्या कर रहे थे यहाँ पे चेयर कर रहे थे, तो ये एक तरीके से क्या था, दो सेपरेट फंक्शन थे। फिर यही दो फंक्शन क्या कंटिन्यूसली 26 नवंबर 1949 तक चले, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, हम लोगों ने जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब तक वो ये चलते रहे, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग मेंबर वही बोला जाता है कि वो क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन दे वेर द विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया, ये मैंने पहले ही बताया था। फिर अब क्या हो गया, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या 299 आउट ऑफ द 389 ओरिजिनली, ठीक है, अंडर द वही आपको मैंने पहले ही बताया था किसके, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। देखो एक तरीके से क्या था ना, ये बनाने में बहुत समय लगा था, तो समझ के सब कुछ देख के बनाया गया था, तो इसीलिए थोड़ा समय तो लग रहा था यहाँ पे, लेकिन सब कुछ क्या था, पूरे देश के हित के लिए ये काम हो रहा था, ये नहीं कि मेरा काम हो गया और आपका काम हो गया चलो हटो, ऐसा कुछ भी नहीं था, होता नहीं, अरे ठीक है हमारा काम हो गया, आज के दौर में क्या हो गया, अपना काम बनता बाहर में जाए डायरेक्ट, तो ये यही चीज चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू थे यहाँ पे, अभी आगे अभी हम लोग और अदर कुछ फंक्शन थे, जैसे अदर कुछ फंक्शन में क्या था, आपसे पूछ लिया जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो अडोप्ट का नेशनल फ्लैग हमें कब अडोप्ट किया, तो एडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन द 22 जुलाई 1947। फिर आपसे पूछेगा नेशनल एंथम आपने कब एडोप्ट किया था, ये कब हुआ, 24 जनवरी हम लोगों ने 1950 में किया था, उसी दिन हम लोगों ने क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग भी एडोप्ट किया था, तो आपसे ये क्वेश्चन एक तरीके से कन्फ्यूजन में डालने के लिए दे सकता है कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या हम लोगों ने दोनों एक ही दिन एडोप्ट किया था, तो हाँ भैया जब 24 जनवरी 1950 को हमने किया था, और बोला गया कि जब पहला जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको याद रखना कब बने थे, वही 24 जनवरी 1950 को बने थे। ये सब चीज़ मैंने बता ही दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 11 महीना और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन में कर, ये बोला जाता है कि हम लोगों ने हर एक जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा समझा और उसके बेसिस पे या उसके तहत हम लोगों ने अपने देश के लिए काम किया। फिर ये सब पूछता नहीं है कितना पैसा खर्च हुआ था उस समय में, कितना पैसा खर्च हुआ था, फाइनली कब हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फाइनल सेशन कब लिए थे, ठीक है। तो ये एक चीज बस ये याद रखना, कोई भी अगर आपसे ये पूछे ना कि क्या हम लोगों ने सीधा 26 जनवरी 1950 को पूरा लिया था, नहीं, हम लोगों ने कुछ पार्ट क्या हुआ था, कुछ पार्ट हम लोगों ने क्या नवंबर में भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 में, और उसके बाद जो फाइनल हम लोगों ने लिया था वो कब लिया था, नहीं ये फाइनल था, फाइनल कब लिया गया ये मेन याद रखना है, ठीक है, पूछ लेता है बस, मैंने इसलिए आपको ओवरव्यू भी दे दिया कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने पूरा फाइनल अडॉप्ट कर लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखो अभी ये कमेटी होता है, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में, ये बस याद रखना, ठीक है, कमेटी कौन कौन से थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली था उसको अपॉइंट किया गया था, नंबर ऑफ कमिटी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसमें के अपना अपना रोल प्रदान कर रहे थे। जैसे देखो सबसे पहले बोला जाता है कि 8 जो थे ना वो माइनर जो मेजर कमिटी थे और अदर जो भी थे वो माइनर कमिटी थे, तो 8 जो मेजर कमिटी थे तो उसमें कौन कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो जो यूनियन पावर कमिटी कौन था ये पूछता है पेपर में, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी कौन था, ये दो पेपर में आपसे पूछता और हमेशा पूछा है। और फिर जो प्रोविजनल जो स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी था वो कौन था, जिसको भी आप लोग जानते भी हो एक तरीके से, एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है सरदार पटेल साहब, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे, तो कौन था ये आपको याद, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी जो थे वो जो
माइनॉरिटी और जो ट्राइबल पीपल हो, एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूडेड एरिया, वो कौन थे? सरदार पटेल। देखो हर एक पेपर में जो सिंगल टाइप पेपर, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आप पलट के आप देखोगे, जब मैं अभी क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। फिर जो सब कमेटी थे उसमें कौन कौन थे, ये एक याद रख सकते हो। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल असम प्रोविंसेस कौन थे, जो जैसे फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी कौन थे, जेपी कृपलानी साहब थे। तो ये आपको ये कुछ कुछ याद रखना है। देखो पूछता नहीं है लेकिन मेन तो इसमें से जरूर पूछेगा, और ये पूछता नहीं लेकिन आपको एक तरीके से ये याद रखना चाहिए। फिर ठीक है, फिर वही था कि रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको पूछ लेता है कितने मेंबर की ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, पहला चीज। तो दूसरा चीज ये, पहला चीज ये पूछेगा कितने मेंबर की चीज, दूसरा ये पूछेगा आपसे जो इसके हेड कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये 7 मेंबर की थी, तो ये आपको एक बार देख लेना स्लाइड में, एक बार आप चले जाना 2 मिनट पॉज करके इस वीडियो को, और एक बार आप इस चीज को ओवरव्यू कर लेना। और ये सब चीज मैंने आपको बता ही दिया था कि जो, और ये है नहीं ऐसे बस ओवरव्यू, उसमें मैंने डाल दिया है कि कौन कौन से प्रीएम्बल में जो आर्टिकल थे वो कौन कौन से डिलीट किए गए, कौन कौन से लाए गए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था ये मैंने अभी बता दिया, कब लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। प्रीएम्बल था टोटल कितने आर्टिकल्स थे, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कितने शेड्यूल थे जब हम लोगों ने ये चीज़ बनाया, इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ, फिर गवर्नमेंट जो सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो मैंने बताया था कौन सा था, 1935 का था, जो अडॉप्ट एवोल्यूशन ऑफ द प्रिविलेज का काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन था 1949। ये सब चीज मैंने बताया हुआ, ज्यादा ये ओवरव्यू लेने की जरूरत नहीं, एक बार बस ऊपर ऊपर आप पढ़ सा, इसमें से पूछता कुछ नहीं है, बस एक ये पूछता जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया। अब देखो इसी के तहत आज आपका ये भी चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। और देखो अब यार आप लोग थोड़ा सा ये बताओ कि कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट में तो कुछ नहीं बताते हो। अभी मेल आया हुआ था, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक मेल आया हुआ था मैंने शुरू, तो यार ये चीज़ आप लोग को देखना है। और अच्छे से अगर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ पूछना जरूर, मैं भी, आप पूछोगे अगर मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं भी वो चीज़ सीखूंगा, क्योंकि आपसे ही सीख के मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं भी पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, हाँ लेकिन ये है कि कंसेप्ट क्लियर है तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो चलिए इसी के तहत आज का भी हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, इस चैप्टर पे जो चल रहा है पॉलिटी का सीरीज वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है हमारे लिए, एटलीस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता कैसा है क्या है नहीं है, लेकिन मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर आप लोग को लगे कि इसमें कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उस चीज़ को मैं आगे सही कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, एंड आपका दिन शुभ हो, हैप्पी दीपावली।